ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज अमृत वेले की इस पावन वेला में अव्यक्त वाणी चलेगी। 15 जनवरी 1983। सहज योगी और प्रयोगी की व्याख्या। हम यही काम कर रहे हैं ना कि हमें बाबा की हर शिक्षा को, बाबा की हर सावधानी को कैसे हम अपने जीवन की प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट बना सकें, कैसे अपने रोल का पार्ट बना सकें, यही हम सबका लक्ष्य है। तो सहज योगी कौन होता है, प्रयोगी कौन होता है, इसको लेकर के सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज बाप दादा अपने सहयोगी भुजाओं को देख रहे हैं। तो अपने आप को हमें किस रूप में देखना है कि मैं भगवान की सहयोगी भुजा हूं, मैं भगवान की विश्वास पात्र हूं, भगवान का मुझ में विश्वास है। ये बड़ी गहरी बात है ना, स्वीकार करें हम इसको। कैसे मेरी सहयोगी भुजाएं श्रेष्ठ कार्य को सफल बना रही हैं? हर भुजा के दिव्य अलौकिक कार्य की रफ्तार को देख बाप दादा हर्षित हो रू रिहान कर रहे थे। बाबा ये देख रहे हैं कि मेरा हर बच्चा किस स्पीड से मेरे कार्य का सहयोगी है। तो हम सबको अपनी अपनी स्पीड चेक करनी है कि मेरी स्पीड क्या है बाबा के सहयोग करने की। तो बाबा एक बात कहते हैं, बच्चे जितने ज्यादा आप गुणों का स्वरूप बनते जाओगे, शक्तियों का स्वरूप बनते जाओगे, उतने ही ज्यादा आप बाबा के कार्य में यूजफुल होते जाओगे। ठीक है। बाबा देखते रहते हैं कि कोई कोई भुजाएं सदा अथक और एक ही श्रेष्ठ उमंग और उत्साह और तीव्र गति से सहयोगी हैं, और कोई कोई कार्य करते रहते हैं लेकिन बीच बीच में उमंग उत्साह की तीव्र गति में अंतर पड़ जाता है। होता है ना ऐसा, कभी तो स्पीड तेज, कभी स्पीड स्लो, कभी तो अथक और कभी थक थक के। तो बाबा यही चीज को चेक कर रहे हैं, किस कारण से अंतर पड़ता है बाप के कार्य के सहयोग में। हमें चेक करना है मैं कौन सी हूं। लेकिन सदा अथक, अंडरलाइन करना, ये मुझे एक्सेप्ट करना है जो बाबा अभी लाइन बोलने वाले हैं ना। लेकिन सदा अथक तीव्र गति वाली भुजाओं के उमंग उत्साह को देखते देखते स्वयं भी फिर से तीव्र गति से कार्य करने लग पड़ते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जब दूसरे तीव्र गति वालों को देखते हैं तो उनका उत्साह भी बढ़ जाता है। लेकिन मुझे क्या बनना है, मुझे दूसरों की तीव्र गति देखकर अपनी गति बढ़ानी है, या मुझे ऐसा बनना है कि दुनिया मेरी गति को देखकर अपनी गति बढ़ाए। ठीक है, सोचो मुझे क्या बनना है, अथक और तीव्र गति वाली, एक दो के सहयोग से गति को तीव्र बनाते चल रहे हैं। कल वावन संगठन की बात करी ना, संगठन की शक्ति ये होती है। संगठन में क्या होता है, जब हम एक दो को आगे बढ़ता देखते हैं तो उनसे हमें भी हिम्मत कई बार मिल जाती है। देखिए कई बार क्या होगा, कोई और हमसे हिम्मत लेगा, कई बार हम किसी और से हिम्मत लेंगे, ये खास बात है। बाप दादा आज तीन प्रकार के बच्चे देख रहे हैं, एक सदा सहजयोगी, सदा सदा शब्द याद रखना, एक सदा सहजयोगी, दूसरे हर विधि को बार बार प्रयोग करने वाले प्रयोगी, जो भी बाबा की विधि मिले सभी को प्रयोग करें, और तीसरे हैं सहयोगी। तो एक हुए सदा सहजयोगी, दूसरे हुए विधियों को प्रयोग करने वाले प्रयोगी, और तीसरे हुए सहयोगी। जो सहयोगी होता है वो तो अपनी मनमर्जी माफिक चलता, वैसे हैं तीनों ही योगी लेकिन भिन्न भिन्न स्टेज के हैं। सहज योगी समीप संबंध और सर्व प्राप्ति के कारण सहज योग का सदा स्वतः अनुभव करता है। जो सहज योगी है
वो कैसा होता है क्या बताया बाबा ने, समीप का संबंध उसे हर वक्त दिल करीब बाबा दिखेगा और सर्व प्राप्तियों का स्वरूप। अगर समीप का संबंध नहीं है और सर्व प्राप्तियां नहीं है तो मैं सहज योगी नहीं हूं। सदा समर्थ स्वरूप होने के कारण इसी नशे में सदा अनुभव करता कि मैं हूं ही बाप का। सदा अपने को इस अनुभव के नशे में प्राप्ति स्वरूप नेचुरल निश्चय करता है। सहयोगी को सर्व सिद्धियां स्वतः ही अनुभव होती हैं, इसलिए सहज योगी सदा ही श्रेष्ठ परी सहज योगी को सर्व सिद्धियां स्वतः ही अनुभव होती हैं, इसलिए सहज योगी सदा ही श्रेष्ठ उमंग उत्साह खुशी में एक रस रहता है। सहज योगी सर्व प्राप्तियों के अधिकारी स्वरूप में सदा शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हैं। मतलब क्या है इसका, जो सहज योगी होगा ना वो ऑलवेज इजी गोइंग होगा। मतलब क्या है, उसे किसी चीज में ना कभी कोई डर लगेगा, ना कभी उसके मन में कोई चिंता घर करेगी। वो डिस्टर्ब, मतलब उसे बोलेंगे एक तरीके से कभी भी डिस्टर्ब ना होने वाली आत्मा, सदा स्थिर चित आत्मा, उसी को कहते हैं अचल अडोल स्थिर एक रस एक मत एकाग्र। ये पहचान होती है सहज योगी की। प्रयोग करने वाली प्रयोगी सदा हर स्वरूप के हर पॉइंट के हर प्राप्ति स्वरूप के प्रयोग करते हुए उस स्थिति का अनुभव करते हैं। सहज योगी जो स्टेज है वो ऑटोमेटिक स्टेज है, बैठे और सेट। प्रयोगी क्या है, किसी कमेंट्री का प्रयोग करेगा बाबा, किसी पॉइंट का प्रयोग करेगा, अपने मनन चिंतन का प्रयोग करेगा, है ना, और फिर उससे खुद को सेट करेगा। लेकिन कभी सफलता का अनुभव करते और कभी मेहनत का करते। तो शायद हम में से ज्यादातर अभी किस स्टेज में है, प्रयोगी की स्टेज, है ना। सहजयोगी की स्टेज अभी हमारी उतनी नहीं है। अभी तो हम कहते हैं कभी कभी तो बड़ा अच्छा अनुभव होता, तो कभी कभी सहजयोगी हम, कभी कभी प्रयोगी है, चेक करने कौन सी स्टेज। सफलता का अनुभव करते, कभी मेहनत अनुभव करते, लेकिन प्रयोगी होने के कारण, बुद्धि अभ्यास की प्रयोगशाला में बिजी रहने के कारण 75% माया से सेफ रहते हैं। देखो कितना अच्छा टाइटल मिल गया ना। और ये सच बात है, जब आप अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो ना ज्ञान योग में, तो क्या हो गया, सेफ हो गए ना माया से। अभी जब से मैं खुद को देखता हूँ कि जब से मैंने मुरलियों को बहुत बार सुनना शुरू किया है, तो सोचो आप उतने टाइम तक तो माया आएगी नहीं, जितने तो मुरली सुनने होंगे। अरे तो समय बढ़ता जा रहा है ना माया से सेफ होने का। कारण प्रयोगी आत्मा को शौक रहता है कि नए ते नए भिन्न भिन्न अनुभव करके देखें। इसी शौक में लगे रहने के कारण माया से प्रयोगशाला में सेफ रहते हैं, लेकिन एक रस नहीं रहते। डिफरेंस बिटवीन द सहज योगी एंड प्रयोगी, एक रस। जो सहज योगी है वो एक रस रहेगा और जो प्रयोगी है ये ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी अनुभव होने कारण बहुत उमंग उत्साह में झूमते और कभी विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति कम होने के कारण उमंग उत्साह में फर्क पड़ जाता है। उमंग उत्साह कम होने के कारण मेहनत अनुभव होती है, इसलिए कभी सहज योगी कभी मेहनत करने वाले योगी। हूं ही के बजाय हूं बाबा भी कैसे शब्द इस्तेमाल करते, मैं तो हूं ही बाबा की बजाय क्या बोलते हैं, मैं हूं ना बाबा की, हूं ना हूं मैं बाबा। एक है हूं ही बाबा की, एक है हाँ हूं बाबा की, मैं बाबा की हूं। तो बाबा कितना कितनी गहरी बात है ना, ये तो कभी सोचा नहीं इस तरीके से। हूं ही बाबा की और हूं बाबा की, दोनों में कितना डिफरेंस, एक छोटे से शब्द से जमीन आसमान का अंतर। आत्मा हूं, बच्चा हूं, मास्टर सशक्तिवान हूं, हूं मैं बाबा की ही हूं। मैं ही लगते ही पता क्या हो गया, मैं अब किसी और की नहीं हूं। और मैं बाबा का बच्चा हूं, इसका मतलब मैं किसी और का भी हूं।
अब देखो ये है भगवान की सूक्ष्मता जो शायद एक साधारण मनुष्य सोचता भी नहीं इतने लेवल। इस स्मृति द्वारा सिद्धि को पाने का बार बार प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए कभी तो इस स्टेज पर स्थित होते जो सोचा और अनुभव हो गया, कभी बार बार सोचने के द्वारा स्वरूप की अनुभूति करते। इसको कहा जाता प्रयोगी आत्मा। अधिकार का स्वरूप है सहज योगी। अधिकार का स्वरूप कौन सा हुआ, लिख लो इस बात को। अथॉरिटी कब फील होगी, जब सहज योगी होंगे हम। बार बार अध्ययन करने का स्वरूप है प्रयोगी आत्मा। आज भावना बड़ी बढ़िया बात बताइए, लिख लो इसको अलग अलग करके। पहला क्या हुआ, अधिकार की स्थिति कौन सी है, सहज योगी। अध्ययन की स्थिति कौन सी है, प्रयोगी। ये अध्ययन की स्थिति है बार बार। तो आज देख रहे थे सहज योगी कौन और प्रयोगी कौन। प्रयोगी भी कभी कभी सहज योगी बन जाते, लेकिन सदा नहीं। जिस समय जो पोजीशन होती है उसी प्रमाण स्थूल चेहरे के पोज भी बदलते हैं, मन की पोजीशन को भी देखते हैं और पोज को भी देखते हैं। देखो बड़ा डीप है ये सेंटेंस, साधारण नहीं है। बाबा मन के पोज को भी देखते हैं और चेहरे की पोजीशन को भी देखते हैं, दोनों चीज देख रहे हैं। मन में क्या चल रहा है और चेहरे पे क्या आ रहा है, क्या दोनों में सिमिलरिटी चल रही है। कल भी ये बात थी कुछ, और पोज को भी देखते हैं। सारे दिन में कितना पोज बदलते हो, अपने भिन्न भिन्न पोज को जानते हो, स्वयं को साक्षी होकर देखते हो। मेरे इमोशंस के अकॉर्डिंग मेरा फेस एक्सप्रेशन चेंज होता है, जैसे इमोशंस वैसा एक्सप्रेशन। खुशी में है तो खुशी वाला, दुख में है तो दुखी वाला, क्रोध में है तो क्रोध वाला, शांति में है तो शांति वाला। चेक करो कैसे पोज चेंज हो रहे हैं। बाप दा सदा यह बेहदा खेल जब चाहे तब देखते रहते हैं। जैसे यहाँ लौकिक दुनिया में भी एक के ही भिन्न भिन्न पोज हंसी के खेल में स्वयं ही देखते हैं, विदेश में भी यह खेल होता है। यहाँ प्रैक्टिकल में ऐसा खेल तो नहीं करते हो ना। यहाँ भी कभी बोझ के कारण मोटे बन जाते हैं और कभी फिर बहुत सोचने के कारण, सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, और कभी फिर दिल से कष्ट होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। ऐसा ही होता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कभी छोटे बन जाते, कभी मोटे बन जाते, कभी लंबे बन जाते। तो ऐसा खेल अच्छा लगता है क्या, पूछ रहे बाबा, अच्छा लगता है क्या। तो सभी डबल विदेशी सहजयोगी हो, आज के दिन का सहजयोगी का चार्ट रहा। सिर्फ प्रयोग करने वाले प्रयोगी तो नहीं हो ना। डबल विदेशी मधुबन से सदाकाल के लिए सहजयोगी रहने का अनुभव लेकर जा रहे हो। अच्छा, सहयोगी भी योगी हैं, इसका फिर कभी सुनाएंगे। आज बाबा ने दो पे ही बात खत्म कर दी, कहा सहयोगी का फिर कभी सुनाएंगे। सभी टीचर्स नीचे हॉल में मुरली सुन रही थी, क्योंकि तब तो छोटा ही हॉल होता था ना, इतना था नहीं। बाबदा के साथ निमित्त सेवाधारी कहो, निमित्त शिक्षक कहो, तो आज साथियों का ग्रुप भी आया हुआ है। छोटे तो और ही अति प्रिय होते, नीचे होते भी सब ऊपर ही बैठे हैं। बाबदा छोटे व बड़े लेकिन हिम्मत रखने वाले, सेवा के क्षेत्र में स्वयं को सदा बिजी रखने वाले सेवाधारियों को बहुत बहुत याद प्यार दे रहे। इसलिए त्यागी बन अनेकों के भाग्य बनाने के निमित्त बनाने वाले सेवाधारियों को बाप दादा त्याग की विशेष आत्माएं देख रहे। अंडरलाइन करें इस बात को, बाबा उसे पसंद करता है जो त्याग से भाग्य बनाता है, खुद को बात बात में आगे नहीं रखता। हर बात में मुझे पूछा जाए, खुद की गर्दन सदा हम आगे रखें, है ना, वो नहीं। जो त्याग करता है, जो दूसरों को आगे रखता है, जो पहले दूसरों को देता है, है ना, कुछ भी मनसा वाचा कर्म ना, पहले किसको देना है, दूसरों को। हर बात का सम्मान पहले किसको देना है, दूसरों को। खुद का सम्मान नहीं, दूसरों का सम्मान पहले हम रखें। जैसे बाबा सबको आगे करते करते आगे हो गया ना,
तो ऐसे ही हमें सबको आगे करना है। ऐसी विशेष आत्माओं को विशेष रूप से बधाई के साथ साथ बाबा याद प्यार देते हैं। डबल कमाल कौन सी है, एक तो बाप को जानने की कमाल की, दूर देश धर्म का पर्दा रीति रसम खान पान सबकी भिन्नता के पर्दे के बीच रहते हुए भी बाप को जान लिया, इसलिए डबल कमाल है। पर्दे के अंदर छिप गए थे, सेवा के लिए जन्म लिया है, भूल नहीं की लेकिन ड्रामा अनुसार सेवा के निमित्त चारों ओर बिखर गए थे, नहीं तो इतनी विदेशों में सेवा कैसे होती, है ना। कल भी बाबा ने कहा था ना, विदेशों में जन्म भले ही लिया है संकल्प से, लेकिन हो कहां के, मधुबन के। सिर्फ सेवा के कारण अपना थोड़ा समय का नाम मात्र हिसाब किताब जोड़ा, इसलिए डबल कमाल दिखाने वाले। सदा बाप के स्नेह के चात्रक, सदा दिल से मेरा बाबा के गीत गाने वाले। जाना है जाना है, बारह मास इसी धुन में रहने वाले। ऐसे हिम्मत कर बाप दादा के मददगार बनने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्ची, रूहानी बाप नमस्ते। सेवाधारी भाई बहनों से महायज्ञ की महासेवा का प्रसाद खाया, प्रसाद तो कभी भी कम होने वाला नहीं है। ऐसी ऐसा अविनाशी महाप्रसाद प्राप्त किया, महायज्ञ की महासेवा प्रसाद है, महाप्रसाद है। कितना वैरायटी प्रसाद मिला है, सदा काल के लिए खुशी, सदा काल के लिए नशा, अनुभूति, ऐसे सब प्रकार का प्रसाद पाया। तो प्रसाद बांटकर खाया जाता है, प्रसाद आंखों के ऊपर मस्तक के ऊपर रखकर खाते हैं, ऐसे लगा खाते हैं ना प्रसाद को अपनी आंखों पर मस्तक, तो यह प्रसाद आंखों में समा जाए, मस्तक में स्मृति स्वरूप हो जाए, अर्थात समा जाए। ऐसा प्रसाद इस महायज्ञ में मिला, महाप्रसाद लेने वाले कितने महान भाग्यवान हुए भाई। ऐसे चांस कितनों को मिलता है, बहुत थोड़ों को, उन थोड़ों में से भी आप हो, विशेष हो आप, तो महान भाग्यवान हो गए ना। जैसे यहां बाप और सेवा, इसके सिवाय तीसरा कुछ याद नहीं रहा, अंडरलाइन। बाबा भी हमेशा कहते हैं ना बच्चे, याद और सेवा है डबल लॉक माया से बचने के। तो बाबा ने यहां पे आज भी विशिष्ट रूप से इसी बात को बाबा ने क्या कहा, बाप और सेवा, इसके सिवाय तीसरा कुछ भी याद ना आए। तो यहां का अनुभव सदा कायम रखना, वैसे भी कहां जाते हो तो विशेष वहां से कोई ना कोई यादगार ले आते हो, तो मधुबन का विशेष यादगार क्या ले जाएंगे, अंडरलाइन करना, निरंतर सर्व प्राप्ति स्वरूप, यह है मधुबन की गिफ्ट, निरंतर सर्व प्राप्ति स्वरूप। तो वहां भी जाकर ऐसे ही रहेंगे या कहेंगे वायुमंडल ऐसा था, संग ऐसा था, परिवर्तन भूमि से परिवर्तन होकर जाना, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन आप अपनी शक्ति से परिवर्तन कर लो, इतनी शक्ति है ना, वायुमंडल का प्रभाव आप पर ना आवे, सभी संपन्न बन करके जाना, अंडरलाइन कर लो, सभी कैसे बन के जाना भाई, संपन्न बन करके जाना। माताओं के साथ मिल रहे हैं अभी, माताएं काफी सारे हैं ना, अब सब माताएं ध्यान सुनो, माताओं के लिए तो बहुत खुशी की बात है, बाबा विशेष मेहरबान रहता माताओं, क्योंकि बाप आया ही माताओं के लिए है। अरे बाबा बाकी सबको आज दरकिनार कर दिया, किसके लिए आया है, आया ही है, ये शब्द लगाया बाबा ने, आया ही है माताओं के लिए, गौपाल बनकर गौ माताओं के लिए आए। नशा हो रहा है, कितना नशा आना चाहिए, गौपाल किसके लिए आया है, हम गौओं के लिए आए, इतना ऊंचा मान दिया है ना, सोचो गाय कितनी पूजनीय है, अंतिम जन्म तक कलयुग तक उसकी पूजा हो रही है, इसी का तो यादगार गाया हुआ है, जिसको किसी ने भी योग्य ना समझा, लेकिन बाप ने योग्य आपको ही समझा, इतनी बड़ी डिफरेंस है। जिसे दुनिया ने योग्य नहीं समझा, उन्हें केवल बाप ने ही योग्य समझा। इसी खुशी में सदा उड़ते चलो,
कोई दुख की लहर आ नहीं सकती। अंडरलाइन, अगर दुख की लहर आ रही है ना तो फिर बाप की इज्जत गिरा रहे हैं आप, ये समझ लेना इस बात कि बाबा ने मुझ में क्या विश्वास रखा है। वो तो ये मानता है मेरी बच्ची है, ये सर्वश्रेष्ठ है, इसके लिए ही तो मैं आया हूं। अविनाशी साजन मिल गया, सुखदाता मिल गया, सब कुछ देने वाला मिल गया। कल बाबा ने कहा था वो विधवा है जो रोते हैं, समझो इसको, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे बन गए। सुख के सागर में समाने वालों को कभी दुख की लहर नहीं आ सकती, ऐसे सुख स्वरूप। अच्छा, ओम शांति, कितनी प्यारी वाणी है ये सारी वाणियां 1983 की, इतनी छोटी छोटी सी वाणियां हैं लेकिन बिल्कुल एकदम बहुत ही पावर है, छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी शिक्षाओं से भरी हुई है। तो चलिए आज हम क्या पुरुषार्थ करने वाले हैं, आज हम पुरुषार्थ करने वाले हैं प्रयोग तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम उस स्टेज में हैं। हमें प्रयोग करके क्या बनना है, सहज योग। लिख लो आज अपनी डायरी में, मुझ आत्मा को ऐसे प्रयोग करने हैं कि मैं सहज योगी बन जाऊं। लक्ष्य है मेरा प्रयोगी आत्मा से सहज योगी आत्मा, इस लक्ष्य के साथ योग करना है आज कि मैं जो कुछ भी आज से प्रयोग करूंगी अपने जीवन में। लिखो, ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें बाबा ने दो तीन याद दिलाई इसी मुरली से। पहला, प्रयोगी आत्मा से बनूंगी सहजयोगी आत्मा, पहला। दूसरा, मेरा लक्ष्य क्या दिया बाबा ने, बाबा का मधुबन की गिफ्ट कौन सी लेके जाना, कौन सी गिफ्ट लेके जाना, निरंतर सर्व प्राप्ति स्वरूप। तो दूसरा क्या करूंगी मैं प्रयोगी आत्मा बाबा की शिक्षाओं का प्रयोग कर करके क्या बनूंगी, निरंतर सर्व प्राप्ति स्वरूप। और जब मैं बन जाऊंगी निरंतर सर्व प्राप्ति स्वरूप तो अंतिम पॉइंट पे आ जाओ आप, मैं क्या बन जाऊंगी, सुख स्वरूप। फिर मुझे दुख की लहर भी नहीं आ सकती क्योंकि जिसे सब कुछ मिल गया अब उसे दुख किस बात का, अब तो मेरे पास धन भी है, संपत्ति भी है ना, संबंध भी है, प्राप्तियां भी हैं, अनुभव भी है, सब कुछ मुझे मिल गया। और फिर मेरे पे छत्र छाया किसकी आ गई, स्वयं सुखदाता की, स्वयं सुखदाता की। जब सुखदाता मेरा हो गया, भाग्य विधाता मेरा हो गया, सर्व खजानों का मालिक मेरा साथी हो गया, तो अब किसी बात की कोई चिंता फिक्र नहीं है। और इसको स्वीकार करना है मुझे, अंदर में स्वीकार करना है, ठीक है।